नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एसी वोल्टेज चेक करने का एक छोटा सा जुगाड़, जिसमें आपको चाहिए दो ट्रांजिस्टर, एक एलईडी लाइट, एक बैटरी 3.7 वोल्ट की या 6 वोल्ट की भी यूज कर सकते हो, 9 वोल्ट की भी, और एक कॉपर वायर है, इसको पेचकस या पैन पर लपेटकर बना सकते हैं। बस हमें इन्हीं चीज़ों की ज़रूरत है। चलो हम देखते हैं इसको कैसे बनाएं। सबसे पहले ट्रांजिस्टर की बीच वाली पिन को दूसरे ट्रांजिस्टर की सबसे लास्ट पिन, तीसरी पिन में जोड़ देते हैं। उसके बाद हम एलईडी बल्ब लेते हैं, एलईडी लाइट है, इसकी पॉजिटिव पिन को दूसरे वाले ट्रांजिस्टर की पहली पिन से कनेक्ट कर देते हैं। और नेगेटिव वाली माइनस वाली पिन को पहले ट्रांजिस्टर की पहली पिन से कनेक्ट कर देते हैं, सोल्डरिंग कर देते हैं। ये कनेक्ट हो चुकी है। इसके बाद हम बैटरी लेते हैं, उसकी पॉजिटिव वायर को, प्लस वाली वायर को ट्रांजिस्टर की पहली पिन से या एलईडी की प्लस वाली पिन से कनेक्ट कर देते हैं, और नेगेटिव वाली को पहले ट्रांजिस्टर की तीसरी पिन से कनेक्ट कर देते हैं, सोल्डरिंग कर देते हैं। ये एक छोटा सा जुगाड़ है जो आपके काफ़ी काम आएगा। और हम दूसरे वाले ट्रांजिस्टर की जो बीच वाली पिन है उससे इस वायर को कनेक्ट कर देंगे, जो एंटीन का काम करेगी। इसको भी हम सोल्डरिंग कर देते हैं। अब हमारा जुगाड़ बनके तैयार है, हम इसे यूज कर सकते हैं। इसका यूज हम किसी भी एसी के पॉजिटिव वाले तार को, एसी वोल्टेज होती है उसके पॉजिटिव वाले तार को चेक करने में कर सकते हैं कि वो तार कहीं कहाँ से ख़राब है या वायर अंदर से जली हुई तो नहीं है, इससे चेक कर सकते हैं। चलो अब हम चेक करते हैं। और ध्यान रखें, इसका तार हम अगर दो केबल एक साथ है तो सिर्फ ये पॉजिटिव वाले तार को ही, मेन लाइट का जो फेस का तार है उसको ही चेक करेगा, नेगेटिव वाले तार में ये नहीं चसे गई ये एलईडी लाइट, इसलिए हम एक एक तार को ही लगा के यूज करेंगे इसको। अगर दो तार है पहले एक को लगाएंगे, फिर दूसरे वाले को पॉजिटिव फेस में लगाएंगे, फिर चेक करेंगे।
देखो जहाँ तक हमारी सप्लाई आ रही है वहाँ तक ये लाइट चस रही है और उसके बाद बंद हो जाती है। मैंने इस वायर को बीच से यहाँ से काट के स्लीव डाल रखी है, ये देखो यहाँ तक हमारी सप्लाई आ रही थी जिससे ये जल रही थी, उसके बाद वायर कटी हुई थी और एलईडी बल्ब ये बंद हो जाता था। इसको बनाना बहुत ही आसान है। इसके बाद मैं इसका डायग्राम भी दिखा देता हूँ आपको। ये दो ट्रांजिस्टर लिए हमने BC547। पहले ट्रांजिस्टर की बीच वाली पिन को दूसरे ट्रांजिस्टर की लास्ट पिन से कनेक्ट कर देते हैं, सीधा ही जोड़ देंगे इसको। और दूसरे ट्रांजिस्टर की जो पहली पिन है ये हमारी बैटरी की पॉजिटिव वाली पिन है। और पहले ट्रांजिस्टर की जो तीसरी पिन है ये हमारी बैटरी की माइनस वाली पिन है। इसमें हम बैटरी लगा देंगे जिसमें हम 3.7 वोल्ट, 6 वोल्ट, 9 वोल्ट कोई भी बैटरी लगा सकते हैं, जो भी आपके पास हो। उसके बाद दूसरे ट्रांजिस्टर की पहली पिन को हम एलईडी जो हमारी लाइट है उसकी पॉजिटिव वाली पिन में लगाएंगे और पहले ट्रांजिस्टर की पहली पिन को नेगेटिव वाली में। ये नेगेटिव है बैटरी के लिए, ये पॉजिटिव है बैटरी के लिए। और दूसरे ट्रांजिस्टर की जो बीच वाली पिन है ये हमारा एंटीना हो जाएगा जिसको हमें वायर के ऊपर से रख के चेक करना है कि हमारी वायर कहाँ तक ठीक है। अगर अंदर से जली हुई या टूटी हुई हो तो जहाँ तक हमारी वोल्टेज जाएगी वहाँ तक ये लाइट जलेगी, उससे आगे बंद हो जाएगी। हम वहीं से वायर को काट के दोबारा जोड़ देंगे। बस आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। तब तक जय हिंद।